दिल से बोलो हाँ, क्योंकि तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त हो। तो मैं नहीं हूं। अरे तुम भी हो मेरे लाल। मेरा बस चले, मैं थोड़ी गोदी में बैठ के इंटरव्यू करूं भाई। ये मैं बैठ जाओ। बैठू? नहीं नहीं बैठू। बहुत ही बड़ी है इसकी गोदी, आ जाओ। मेरी गोदी इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। बड़ी हैव यू एवर कभी क्रश हुआ है सोनाली पे? हाँ, जब पहली बार हम काम कर रहे थे तो क्रश हो गया था, जब से हुआ है। मेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब प्यार का पंचनामा 2 की कास्टिंग हो रही थी, मेरी पेयरिंग एक्चुअली ओमकार के ऑपोजिट थी। और जब मैंने इसको पहली बार देखा ऑडिशन पे, आई वाज लाइक ये कितना क्यूट है यार, मुझे इसके साथ पेयरिंग करो। एंड आई वाज लाइक हम तो बहुत अच्छे लगेंगे साथ में। जनता सुन रही है, क्यूट क्यूट है बहुत। तुम क्यूट हो, मेरी चुम्बन तुम्हारे लिए। ये गलत है, यहाँ से कोई चुम्बन नहीं आना चाहिए। तो मतलब मुझे लाइक हम बहुत साथ में अच्छे लगेंगे, तो हमारी पेयरिंग होनी चाहिए। मेरा क्रश कामयाब हुआ। तो उसके बाद कुछ किया कि नहीं वो क्रश के बारे में, कि यही है कामयाब हुआ? मैंने क्या बहुत किया ना हमने, क्या जब से तो फिर एक्टिंग की, पिक्चरें कर रहे हैं साथ में, रिहर्सल्स की, वर्कशॉप्स किया। दोस्तों इंटरव्यू के एंड में खुलासा होगा। साथ में घूमे। ओहो घूमे, देखो फूल की तरह बोल रहा हूं मैं। वो नहीं बताएंगे। यार तुमने कहीं कहा है यार, क्योंकि तुम मिस इंडिया रही हो, तुम्हें लोग सिर्फ ग्लैमरस रोल्स देते हैं, इससे तुम दुखी हो? कि तुम बोलते हो जो भी आए अच्छा है, Bring it on. मैं दुखी तो नहीं हूँ। I think ये खुशी की बात है कि लोग मुझे glamorous, you know, नजरिए से देखते हैं। But मुझे बस I feel a little dissatisfied. मेरी अगर looks पे ना focus करके मुझे और type के roles भी मिले। भाई तुम्हारे पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। सुना कि जब तुम struggling days में auditions में जाते थे, लोग तुमको जानबूझ के 8-8 घंटे बैठाते थे। Is that true? Auditions के दौरान तुम्हारा पेशेंस चेक करने के लिए। अब पता लग रहा है कहाँ से आ रहे हो। क्या बोलना चाह रहे हो? ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, बट ये जरूर होता था कि ऑडिशन पे चले जाओ, एड्स के ऑडिशन पे जाते थे या कोई भी ऑडिशन पे जाते थे, तो वहां नंबर आता था 101 102, तो मेरा 70 और 101 में ही आता था। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता भाई काम करते हैं, चाय वाय पीते हैं, खाने जाते हैं, 1/2 नूडल खाते हैं, वापस जाते हैं और जाके देते हैं। तो शाम को आता था नंबर, तो 4-5 घंटे लग जाते थे। तो ये काफी बार हुआ है। फिर एक टाइम तो मैंने जाना छोड़ दिया। मैं दूसरों को बोलता था भाई कुछ नहीं होगा, तू जाएगा खाएगा वापस आएगा, तेरी एनर्जी चली जाएगी। तो आपको पता नहीं आप 200-300 में वो हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैंने किया मेहनत यार, क्या बोल रहे हैं? आपके इंटरव्यू के लिए इतना वेट करता हूँ मैं, 5-5, 6-6 घंटे। जब आप बाल बनाती है कौन वेट करता है? हम वेट करते हैं। असलियत ये है कि सिड कनन के बाल जो है ना, आज जो स्प्रे मारी जा रही थी, हम ही तो वेट कर रहे थे। ओ ये बात भी सच है, खुलासे मत करो इसे। कट कट हेयर, कट कट मेकअप, हार्ड स्प्रे। तुम्हें बहुत सारी फिल्में मिली है ऑन द वे, तुमने बहुत बड़ी फिल्में रिफ्यूज की, क्या वाकई में क्योंकि आपको बोल्ड ज्यादा लगा इसलिए? बहुत बड़ी फिल्में तो नहीं, बट मैंने बहुत बड़ी एक फिल्म रिफ्यूज की है और छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में रिफ्यूज की है। हाँ, वो पर्टिकुलर फिल्म जिसकी आप बात कर रहे हो, मुझे बोल्ड रोल प्ले करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि और भी बहुत चीजें हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एज एन एक्टर। जैसे मैंने कहानी सुनी बहुत, विच इज वेरी गुड। मैं आपकी नारी शक्ति की कदर करता हूँ। जहाँ आपने कहा एक डायरेक्टर ने बोला अरे तुम परफेक्ट हो रोल के लिए, पर तुम्हें शायद थोड़े फेशियल चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में बताओ क्या हुआ एक्चुअली? फुल रिसर्च करके कनन, हाँ बहुत सैड लगता है कि आप इतनी मेहनत करके आप इस इंडस्ट्री में हो, यू नो आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आपने 2 बड़ी हिट फिल्म्स भी दी हैं और आप जेन्युइनली एक तो इंडस्ट्री से नहीं हो और बॉम्बे के भी बाहर से आए हो, एंड यू वर्किंग हार्ड। उसके बाद आप अपने टैलेंट पे ऑडिशन के बेसिस पे आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लैंड, यू नो यू लैंडेड, एंड देन बिकॉज ऑफ कोई एक फिजिकल फीचर या कोई एक चीज़, मतलब विदाउट नेमिंग इट, वो डायरेक्टर के सीरीज ऑफ थिंग्स में नहीं होता और वो बोलते हैं कि आप उसको चेंज करा लो। तो वो बहुत ही दुख की बात है कि आज भी इंडस्ट्री में यू नो इन सब चीज़ें की बात होई जा रही है कि रादर देन फोकसिंग कि आप में टैलेंट है, आपने ऑडिशन ठीक से किया, आप इस रोल के लिए सही हो, वो बोलेंगे कि हाँ आपका नाक रंग बॉडी ये इसमें चेंज कर लेते। तो वो उस चीज़ में मुझे जाना ही नहीं है। पर आप खड़े होकर आपने दंके की चोट पर इसके बारे में बोला, ताली बजाइए फुल पावर, ऐसे 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 भी करो बाबा, ऐसे हाँ ऐसे करते हैं। बट ये बोलने के पहले, मतलब अभी तो ऐसे मैं बहुत बॉन्ड साउंड कर रही हूँ, विच आई एम प्राउड ऑफ इट, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ था ना तब मैं बहुत रोई थी, आई रिमेम्बर, बिकॉज सिड इजी नहीं होता। क्या होता है ना कि आप जब इतनी मेहनत करके आप इतने क्लोज आते हो ना,
ऐसा लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट इजिली मिलते हैं, राइट? एज अ न्यू कमर, एज समवन जो जस्ट जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, टाइम लगता है. और फिर जब एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है ना, बहुत जान जाती है उसको मना करने के लिए. एंड आई रिमेंबर जब मैंने मना किया था, मैं अपनी मम्मी की गोदी में आके आई रियली क्राइड, मतलब मैं बहुत रोई थी. एंड देन उसके बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं, आई वाज लाइक मैंने जो किया सही, जो किया वो बहुत ही सही किया, बहुत सही किया दिल से. क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट्रेसेस वहां पे, उनसे जेन्युइनली अंदर से शक्ति मिलती है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, लव यू डार्लिंग. भाई तुम बचपन में, मैंने सुना कि सलमान अक्षय कुमार की तरह आप कपड़े पहनते थे बचपन में, उनकी तरह पोज किया करते थे, सच है कि झूठ भाई? बहुत बहुत सच है. मैं एक्चुअली सलमान सर की पिक्चर आई थी मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार किया सॉरी, मैंने वो भी उनकी थी. तो जो कपड़े पहनते थे वो दिमाग में रह जाता था, मम्मी के पास जाता था, मेरे को ये लेने आज ही. तो जाते थे अंधेरी में, एक शॉप होती थी, तो फिर साजन पिक्चर में सलमान सर ने जो बूट पहने थे जिप वाले, वो मेरे को याद है जब मेरे को मिलते 150 रुपए में मिले थे. तो वो एक्सपेंसिव है उसके. अजय सर ने जो पहने थे फूल और कांटे में, जो एक फर्स्ट उनकी एंट्री है उस, वो वाले सब लेता था, बट कितनी बार मार्क्स नहीं आते तब भी मेरे को वो मिलते थे कपड़े. उनको पता ही नहीं, देखिए सब में से बोलते हैं मार्क्स नहीं आते थे फिर भी मुझे वो मिलते थे, दैट इज हिज हाई पॉइंट ऑफ लाइफ. सनी आप और कार्तिक बहुत अच्छे दोस्त है, कार्तिक आर्यन की बात कर रहा हूं मैं, कभी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है कि नहीं? अरे बहुत हुए, हम लोग तो कोई मतलब कॉफी पे लड़ लेते थे, किसी भी बात पे लड़ लेते थे, बट फिर 5 मिनट में सही भी हो जाते हैं. मतलब इट्स मोर लाइक कि पुरानी दोस्ती है, चड्डी बड्डी टाइप है, तो वो है ना कि ऐसा कुछ छुपा नहीं है और हर चीज पता है, उसको क्या चाहिए खाने से लेके हर चीज. तो जस्ट दैट कि जब लड़ लिए 10 मिनट बाद छोड़ना, चल छोड़ना. क्या बात है, मानी लड़ाई भी हुआ है, देखा खुला सा दोस्तों दो एक्टर्स के बीच में लड़ाई भी हुआ है. ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, छोटी मोटी आगे बोल दो, सनसनी खेज बनाना सेट करना से सीखो. आई लव यू कार्तिक, आई लव बोथ ऑफ यू ऑल्सो, क्योंकि आप लोग मेहनत पर आज इस मुकाम तक पहुंचे हो जहाँ पे आप मेरे शो पे आए हो. आई लव यू भाई. मैंने सुना हुआ है ये कि तुम बचपन में अजय देवगन को शेर से लड़ते हुए देखे थे, बताओ उसके बारे में. हाँ मेरे को याद है, वो मेरे को पापा ले गए थे, कह रहे कल चलना साथ में, शेर भी होगा ये भी होगा, तो मैं एक्साइटेड तो था. तो जब मैंने देखा कि वो विजयपत मूवी में जब वो क्या कैद के अंदर, जेल के अंदर शेर होता है, ऊपर से उनकी एंट्री होती है अजय देवगन की, तो मैं देख के मतलब दंग रह गया था, ये कैसे करते हैं रिहर्सल्स यार, मतलब. एंड एक्चुअली दे वर टेकिंग केयर ऑफ द टाइगर दैट टाइम सो मच. और पापा को मैंने देखा था कि वो रिहर्सल करवा रहे हैं, शेर ऊपर है, और बाद में फिर अजय आते हैं, फिर वीरू जी वो कर रहे हैं, मतलब मेरे को उन्होंने बाद में बोला आजा फोटो खींचो, नहीं आजा फोटो खींचो, नहीं तो जोर से बोला आजा. तो मैं गया और ऐसे शेर लेटा हुआ, मेरी सारी हड्डियां ना मतलब डबल स्पीड पे कांप रही थी. जो भी है अच्छा होगा, अजय देवगन भी बहुत गर्व महसूस करते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप रियल लाइफ में टाइगर बन चुके हो मेरे भाई. क्या बात है.